जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवपुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 17वां अध्याय। कामदेव का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, नारद, स्वर्ग में सब देवता मिलकर सलाह करने लगे कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम से सम्मोहित हो सकते हैं, शिवजी किस प्रकार पार्वती जी का पाणी ग्रहण करेंगे। यह सब सोचकर देवराज इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव तुरंत ही वहां पहुंच गए। तब इंद्र ने कामदेव से कहा, हे मित्र, मुझ पर बहुत बड़ा दुख आ गया है। उस दुख का निवारण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हे काम, जिस प्रकार वीर की परीक्षा रणभूमि में, स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है, उसी प्रकार सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। इस समय मैं भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और इस विपत्ति से आप ही मुझे बचा सकते हैं। यह कार्य देवहित के लिए है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवराज इंद्र की बातें सुनकर कामदेव मुस्कुराए और बोले, हे देवराज, इस संसार में कौन मित्र है और कौन शत्रु, यह तो वाकई देखने की वस्तु है। इसे कहकर कोई लाभ नहीं है। देवराज, मैं आपका मित्र हूँ और आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश अवश्य ही करूँगा। इंद्रदेव, जिसने आपके पद और राज्य को छीनकर आपको परेशान किया है, मैं उसे दंड देने के लिए आपकी हर संभव मदद अवश्य करूँगा। अतः जो कार्य मेरे योग्य है, मुझे अवश्य बताइए। कामदेव के इस कथन को सुनकर इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे तात, मैं जो कार्य करना चाहता हूँ, उसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी उस कार्य को करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। तारक नाम का एक प्रसिद्ध दैत्य है। तारक ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है। तारक अजय हो गया है। अब वह पूर्णतः निश्चिंत होकर पूरे संसार को कष्ट दे रहा है। वह धर्म का नाश करने को आतुर है। उसने सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को दुखी कर रखा है। हम देवताओं ने उससे युद्ध किया, परंतु उस पर अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही नहीं, स्वयं श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी तारक का कुछ नहीं बिगाड़ सका। मित्र, भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न हुआ बालक ही तारकासुर का वध कर सकता है। अतः तुम्हें भगवान शिव के हृदय में आसक्ति पैदा करनी है। भगवान शंकर इस समय हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही है। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। परंतु भगवान शिव तो परम योगी हैं, उनका मन सदैव ही उनके वश में है। हे कामदेव, आप कुछ ऐसा उपाय करें कि भगवान शंकर के हृदय में पार्वती का निवास हो जाए और वे उन्हें अपनी प्राण वल्लभा बना उनका पाणी ग्रहण कर ले। आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे देवताओं के सभी कष्ट दूर हो जाए और हम सभी को तारकासुर नामक दैत्य से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। यदि कामदेव आप ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, तो हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवराज इंद्र के कथन को सुनकर कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल गया। तब कामदेव देवराज से कहने लगे कि मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। इंद्रदेव को कार्य करने का आश्वासन देकर कामदेव अपनी पत्नी रति और वसंत को अपने साथ लेकर हिमालय पर्वत पर चल दिए, जहाँ शिवजी तपस्या कर रहे थे। संगत जी, यहीं पर शिवपुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड का 17वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।